चैलेंज तो यही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इनके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि लड़कियां कुछ करें या पढ़े या कोई कोर्स करे या जॉब करे, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। इसलिए यहाँ पे लड़कियां ज्यादा पढ़ाते भी नहीं है, और अगर एटलीस्ट अगर ट्वेल्थ भी पढ़ लिए तो बहुत है, उसके बाद तो कॉलेज तो मतलब ही नहीं है कि देखते। तो वही है, उन लोगों को हम जैसे तैसे बहुत मुश्किल से हम लोग उनको कन्विंस करते हैं, तो कोर्स के लिए एग्री जाते हैं बट जॉब के लिए फिर भी नहीं भेजते। उसमें से कुछ एक हैं जो इनको हम बुलाते हैं, बार बार हम जाते हैं तो कुछ भेज देते हैं, बाकी बहुत कुछ है जो नहीं भेजते हैं। They just feel that okay, they have an opportunity to go out of their home, learn basic skills little bit. In the meanwhile, also learn. If they say that they want to go out every day, their parents would not allow them. So based on just thinking that okay, they are going to learn something and it's free of cost. So that's the initial motivation which comes. So once the girls come over here over a period of time, they interact, they see when we tell them about other girls. So that's when they feel the need. So and besides that, a small portion of the girls would definitely like to go become independent because of problems in their family, poverty in their family. They feel they need to support the family, the mother support them. They want the girls to be independent, not like them. So that is the thing which gradually they develop over a period of time. Because based on this, we have interactions. We do have a few group sessions with them. Tell them about what. Other market trends, what they need to do. वही थोड़ा सा हम लोग जैसे कि स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं तो पर्सनलिटी डेवलपमेंट पे भी हम लोग करते हैं थोड़ा सा, कि बच्चे आपको अगर कहीं जॉब करनी है तो आपको किस तरीके से वहाँ बन के जाना, तो ये सारा हम लोग सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट में आपने क्या करना है, सेकंड, और जब हमारा लास्ट होता है तो हम पूरा बताते हैं कि अब आप तैयार हो कहीं जॉब के लिए और अब आप कैसे जाना है, आपको कैसे वहाँ इंटरव्यू फेस करना है, किस तरह की आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, किस तरह का मेकअप होना चाहिए, ये सारा हम बताते हैं। मेरा नाम रिहाना है और मेरे पापा हमारी कपड़े की दुकान है मदनगिर में, दुकान का नाम है गुड लक गारमेंट्स। मेरे पापा जी वहीं बैठते हैं दुकान पे, मेरे भैया भी वहीं बैठते हैं, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ मेरे फ्रेंड ने ब्यूटिशियन कोर्स किया था तो मुझे उसने बताया था कि यहाँ काफ़ी कोर्सेज हैं और अच्छा सिखाते भी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। फिर मम्मी को थोड़ा एतराज था शुरू में, फिर मम्मी को भी लेकर आई मैं, उन्हें मैंने यहाँ बताया कि ऐसे से है, तो मैंने कहा ठीक है फिर आप भी कर लो। मैं भी, मेरी छोटी सिस्टर भी है, वो उनके मैं उनके घर पर भी कई बार आती जाती हूँ, तो उन्हें भी कहती हूँ कि आप भी ये कोर्स करो क्योंकि ये अच्छा कोर्स है, इसमें नहीं कुछ ज़्यादा तो तुम अपने घर पर चला सकते हो आराम से, सैलरी भी अच्छी होगी इसमें, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा ही, सीधे जॉब तो मिलने से रही। 5 साल बाद यहाँ तो हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके बाद जब हम जॉब करेंगे आगे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उन्हें समझना भी पड़ता है और केयर भी खुद ही करना पड़ता है उन्हें, तो आगे की क्लास जब अभी से हम लोग मेहनत करेंगे, अभी से स्ट्रगल करेंगे तो आगे की क्लास इतना अच्छी होगी। भैया हमारे घर पे मेरे पड़ोस में और भी लड़कियां जो 12th में पढ़ती है वो मेरे से कहते हैं कि तू कैसे कर लेती है पढ़ाई भी साथ में, फिर ये भी फिर घर को भी संभालना है, ये सब इतना आसान तो नहीं है। मैंने कहा सब इंसान के ऊपर होता है, वो जैसे चाहे संभाल सकता है, थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है। मेरा नाम उमा है और मैं 12th में पढ़ती हूँ, पहले भी मैंने ये कोर्स कर चुकी हूँ और फिर यहाँ सीखने आई हूँ कि मुझे आगे इसी लाइन में जॉब करनी है, अगर इसी लाइन में अच्छा चलता रहा तो यही लाइन करेंगे, नहीं तो फिर इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा पढ़ाई के। पहली बार मैंने पार्लर से किया था कोर्स बाहर से। अच्छा, तो दूसरी बार करने का क्या जरूरत पड़ा? कि पढ़ाई भी आगे तो मैंने छोड़ दिया था, बीच में मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैंने यहाँ कोर्स करा कि मेरी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो, फिर मेरे को 12th पास करते ही जॉब मिल जाए। मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी आगे होंगी, काफ़ी अच्छे पार्लर में। जैसे मतलब आपको मैं छोटे मोटे पार्लर में नहीं करना चाहती, मैं हाई-फाई पार्लर में करना चाहती हूँ, जहाँ मेरी सैलरी भी अच्छी हो, बताती हैं जब अपनी लाइफ की सारी बातें मैम से शेयर करते हैं, किस इंसान से कैसे बात करनी है, मैम सारा सब चीज़, मतलब उठने बैठने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, इसमें सब चीज़ें मैम हमें बताती हैं, काफ़ी अच्छी मैम है और मतलब आराम से मतलब एक एक चीज़ प्यार समझाती भी है बच्चों को, मतलब डराती नहीं है ज़्यादा होमलेस नहीं करती हो और बहुत प्यार भी समझाती है उनसे, उनके साथ फ्रेंडली भी रहते हैं कई बार। हमारा फ्यूचर आगे काफ़ी अच्छा, सोचा है कि काफ़ी अच्छा होगा आगे और होना भी चाहिए।
मेहनत करेंगे लगन से करेंगे तो और पहले अभी जो नौकरी लेंगे इसके बाद उसमें डर लग रहा है सोच के कि नहीं डर नहीं लग रहा बिल्कुल लग रहा है कि कर लूंगी भैया मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है सोच के कि मैं क्योंकि मेरी लाइफ में वो पहली जॉब होगी मेरे लिए क्योंकि आज तक मैंने कोई जॉब नहीं की इतना सीखा या स्कूल गई है उसके हिसाब से कहीं गई है और जॉब तो खैर मैंने अब तक कहीं भी नहीं की ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम जॉब होगी जो मैं करूँगी और आप दोनों में से कोई कॉलेज जाने की सोचते हो हाँ साइड में कॉलेज कुछ ऐसा कुछ प्लान है यस मैम कॉलेज जाने का प्रोग्राम है कॉरेस्पॉन्डेंट साइड में कॉलेज करूँगी आगे और पार्ट टाइम जॉब भी करूँगी और साथ में कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी तो वो भी सीखूँगी पहले नौकरी करूँगी मेरे खुद की पास पैसा आएगा जो मैं कुछ अपने लिए खरीदूँ या जो भी अभी तो करी नहीं हूँ पर ये सबसे अच्छा लगेगा जो मेरे खुद की पास पैसा आएगा जो कि मेरे हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको एक रुपये भी चाहिए तो उनसे ही मांगना पड़ता है जो मुझे एक रुपये दे दो क्योंकि उनकी भी ना तो फिर और मांग ही नहीं सकते तो सबसे अच्छा ये लगेगा मेरे ख्याल से जो मेरा खुद की पैसा आएगा मेरा मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है मैं सिकसराय RPS कैडेट में रहती हूँ ऐसे तो मैं नेपाल के रहने वाली हूँ मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं साइंस में से मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है तो मेरा एज है 32 तो साइंस में से मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है तो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ डोर टू डोर स्टेप करती हूँ मैं तो इसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम मतलब तो कुछ कर पा रहे हैं ताकि हमने कुछ कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोर्स करके हम ऐसा कर सकेंगे लेकिन आज हमें ये एहसास हो गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं उसमें ये है कि जो मैम ने हमें सिखाया है उसका हम सब यूज करते हैं तो वहाँ बाहर जाके हमें थोड़ा बहुत ये भी होता है कि यहाँ जैसा मसाज होता है ना उससे थोड़ा डिफरेंट मसाज सीखने को मिलता है हमें डिफरेंट डिफरेंट करके ऐसा करना चाहिए लोग पार्लर में जाके करवाते हैं तो वो लोग बताते हैं कस्टमर हमें बताते हैं कि इस तरह से भी कर सकते हैं आप इस तरह से भी करो पहली बार में मतलब पार्लर के बारे में काम के बारे में बात करने गई तो थोड़ा अजीब से लगा कैसे बोलूँ क्या बोलूँ ये हो गया मेरे अंदर ना एकदम अलग सा हो गया फिर बाद में बात करते गए तो आदत पड़ गया कि सबको कैसे मेंटेन करना है कैसे बोलना चाहिए लोगों से और कैसे उनको अपने एक्सपीरियंस बताना चाहिए कैसे बताना तब मैंने बोला मतलब पहले तो मैं मिली हेलो हाय नमस्ते ये सब होता है तो कर लिया तो मैंने पूछा आप क्या करती हो कहाँ जाती हो क्या है पार्लर में जाती हो या घर पर ही कराती हो बोल के मैंने पार्लर के काम के लिए पूछा फिर उन्होंने बोला ऐसे तो हम पार्लर में करवाते हैं तो मैंने बोला मैं भी करती हूँ डोर टू डोर स्टेप करती हूँ अगर आप मुझे कभी मौका दे दें तो मैं आकर सेवा करने के लिए मैं हाजिर हो जाऊँगी कभी मुझे भी मौका दे दीजिए आपका सेवा करने का बोल के मैंने लोगों को बोला बताया तो उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं तब से करने लगी उनको तो भी काम करते हैं तो उनको तो अच्छा ही लगता है कि सीखी है तो कुछ कर तो पा रही है अपने लिए बच्चों के लिए कुछ भी हो कम से कम खुशियाँ तो आई है इनकी ज़िंदगी में और क्योंकि वो तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे भी खुश है जब भी काम करके आते तो बच्चे के लिए बच्चे तो आइसक्रीम खाने के लिए बहुत अच्छे लगती है उनको कि मतलब आइसक्रीम खिला देती हूँ कभी कुछ मांगते रहती हैं मैं दे देती हूँ बच्चे भी खुश है हस्बैंड भी खुश है अपनी वाइफ काम कर रही है वो देखे तो वो तो बहुत ही खुशी होगी मुझे भी बाहर जॉब करना अच्छा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस लेना बहुत अच्छा लगता है मैं अभी बच्चों की वजह से मजबूर हूँ कि बाहर जाके मैं नहीं कर सकती हूँ बच्चे छोटे हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो बच्चे की ही होती है छोटे बच्चे में आप देखभाल नहीं करेंगे तो बड़े होके तो फिर बेचारे क्या करेंगे उनको फिर पढ़ाना लिखाना भी है पहले घर की जिम्मेदारी पूरा करें फिर बाहर की